अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो जोड़ा आप देख रहे हैं ये है ओज़ोर का और इसकी इस वक्त प्राइस चल रही है 5000 के करीब है ये। और मैं इसको रिक्रिएट करूँगी, देखते हैं कि ये क्या बनकर आता है। सबसे पहले मैं गई हूँ मार्केट और मैंने ये कपड़ा एक परचेज़ किया है जो इससे थोड़ा सा कलर मैच करता है। मुझे फुल मैच कलर नहीं मिला, ठीक है, 800 के मुझे ये पसंद है कलर, सो मैं ये ख़रीद लिया। तो जोड़ा मुझे ये मिला है 1200 रुपये का कपड़ा है। और ना हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटाई। फिर हमने मैंने सबसे पहले फ़्रॉक की कटिंग की है, फ़्रॉक अपने हिसाब से, लेकिन मैंने कभी आज से पहले ही फ़्रॉक इस तरह का बनवाया नहीं था, बना नहीं था, और जिनसे मैं सिलवा रही थी उन्होंने भी नहीं बनाया था। उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इसको बनाना, लेकिन हम लोगों ने आज बनाना था क्योंकि मुझे दूसरे दिन ये पहनना था, इसलिए। तो मैं ट्राई कर रही थी कि यह आज रात ही बन जाए। इस वक्त बज रहे हैं रात के 9 बजे, तो देखते हैं कि ये कितने घंटों तक तैयार होता है। फिर हमने इसकी कटिंग की, शर्ट की कटिंग की, उसके बाद अपने हिसाब से शर्ट एन। और मेन मसला इसका ये था कि इसके फ्रंट पे एक पैच लग रहा था जो थोड़ा सा क्वाइट डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इससे पहले ऐसा फ्रॉक नहीं बनाया था, तो एक्सपीरियंस नहीं था कि इस पट्टी को किस तरह बनाया जाए। और इसके अलावा इसके कमर पर एक और पट्टी थी दोनों साइड्स पर, तो जो भी थोड़ी सी हार्ड, इसमें सिर्फ पूरे फ्रॉक में हार्ड पार्ट यही था, मतलब बाकी तो नॉर्मल फ्रॉक है ये, विदाउट बाजू है, जल्दी बन जाता है। जो चीज़ बाजू में और गले में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसका गला भी सिंपल था और बाजू भी सिंपल थे, बस सिर्फ इसका एक पैच था जो फ्रंट पे लगने थी और एक पट्टी थी जो साइड्स पे लगनी थी। यहाँ पे हम कर रहे हैं इसकी कटिंग, शर्ट की, ऊपर वाली शर्ट की कटिंग। शर्ट की कटिंग भी हो गई थी और अब पैचेस बनाने थे जो मेन काम था इसका। और उस पैच बनाते हुए तकरीबन हमें 1-1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम करें क्या। दूसरा मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैं कपड़ा जो लेके आई थी वो इतना नहीं था, मतलब उसकी जो चौड़ाई थी उसकी लेंथ भी थोड़ी सी कम थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा फ्रॉक जो है थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा सा वो उठा उठा सा हो। उसके बाद हमने ये किया कि सबसे मेन काम ये होता है कि आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हो तो उसका इंतज़ार करना, तो इंतज़ार सबसे मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, लेकिन फिर भी फाइनली आपको एंड रिजल्ट देखकर बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एंड में ये तकरीबन मतलब 90% तो ये बिल्कुल मैच करता हुआ मुझे महसूस हुआ है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही है, लेकिन आप भी देखें, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वैसा बन के आया नहीं आया। अगर ओज़ोर पे मंगवाती तो 5000 रुपये होता, और मैंने ये तकरीबन 1200 रुपये का ये कपड़ा है, और टेलर मेरी ने 500 में ये सी दिया है, तो टोटल 1800 तक ये मेरा इस पे ख़र्चा आया है।